गांधी जयंती के मौके पर जैन मुनि आचार्य श्री श्री विनम्र सागर जी महाराज ने इंटरनेट से अश्लीलता की गंदगी को साफ करने के लिए सभी धर्मों के धर्माचार्यों से आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक झटके में धारा 370 हटा सकते हैं, तो फिर इंटरनेट से अश्लीलता क्यों नहीं। पीएम मोदी अगर नहीं कर पाए तो फिर कोई भी नेता नहीं कर पाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। इंटरनेट पर अश्लीलता के खिलाफ जैन मुनि की बड़ी अपील। स्वच्छ इंटरनेट स्वच्छ भारत का किया आह्वान। जैन मुनि श्री श्री विनम्र सागर जी महाराज ने पीएम मोदी से की अपील। अश्लीलता के खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़े अभियान की आवश्यकता। गांधी जयंती पर देश भर में साफ सफाई और स्वच्छता की बात की जा रही है, लेकिन इंदौर में जैन मुनि आचार्य श्री श्री विनम्र सागर जी महाराज ने सोशल मीडिया और इंटरनेट से अश्लीलता की आंधी को साफ करने का आह्वान किया। जैन मुनि आचार्य श्री श्री विनम्र सागर जी महाराज ने सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता के खिलाफ एक प्रभावी मुहिम चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी साधु संतों और धर्म गुरुओं को अपनी भूमिका तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि अश्लीलता का बढ़ता प्रकोप समाज के नैतिक मूल्यों को कमजोर कर रहा है। उन्होंने सभी धर्मों के धर्माचार्यों से आग्रह किया कि वे इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आए, क्योंकि एक संत अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। हिंसा के बहुत सारे पहलू हैं, हिंसा की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उसमें सबसे बड़ी मानसिक त्रास देने को हिंसा कहते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो दो बड़े काम हो रहे हैं, एक तो पूरे भारत के अंदर अश्लीलता फैलाई जा रही है, दूसरी बात जिन लोगों ने कभी मांस नहीं खाया था उनको भी मांस खाने की लगातार प्रेरणा दी जा रही है। मांस भारत की संस्कृति में पहले सिर्फ बड़े लोगों के पास तक उपलब्ध था, लेकिन धीरे धीरे करके मीडिया और कल्चर ने, समय की धार ने हिंसा की धार को बहुत तेज कर दिया है। और हिंसा की जो तेज धार हो चली है, इस हिंसा की तेज धार के पीछे अहिंसा उतनी ही कारगर बैठेगी। हमने दो अभियान शुरू किए हैं, इसमें प्रथम अभियान तो सिर्फ स्वच्छ इंटरनेट स्वच्छ भारत का है। आज इंटरनेट आवश्यकता बन गया है, उसके बिना किसी भी प्रकार का कोई काम होता नहीं है। लेकिन इंटरनेट की स्वच्छता अश्लीलता जिस दिन मिट जाएगी, 50% रेप केस मिट जाएंगे, उतनी चोरियां मिट जाएंगी, उतनी ड्रग्स का व्यापार मिट जाएगा, उतनी ज़्यादा शराब मिट जाएंगी, उतनी ज़्यादा सिगरेट के व्यवसाय मिट जाएंगे और हम एक स्वस्थ सुंदर भारत देख पाएंगे। सिर्फ बातों के जमा खर्ची भारत को नहीं चला सकते। आज जितने अच्छे राजनेताओं की ज़रूरत है, उतने अच्छे संतों की उद्बोधन की भी ज़रूरत है। और सिर्फ एक संत की नहीं है, हर कौम में इस तरीके का दर्द है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। आज जो विदेशों की सोशल प्रॉब्लम वेलगर्टी थी, आज वो भारत में आ गई है। आज हमारे यहाँ की एक सोशल प्रॉब्लम धीरे धीरे बनती चली जा रही है। अभी वक्त है, हम प्रसाद करेंगे और जोरदार प्रसाद करेंगे और इसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही जैन मुनि ने कहा कि मांस भी इंटरनेट के माध्यम से हर एक के घरों में पहुंच रहा है, क्योंकि ये मांस का सेवन पहले कुछ बड़े लोगों तक ही सीमित था, लेकिन इंटरनेट पर दिए जा रहे प्रलोभन के चलते कई लोग मांस का सेवन शुरू कर चुके हैं। जब नरेंद्र मोदी एक दिन में धारा 370 हटा सकते हैं, तो इंटरनेट से भी अश्लील सैकड़ों वेबसाइट बंद की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इन वेबसाइट्स को बंद नहीं करवा पाए, तो आने वाले भविष्य में और कोई भी राजनेता इसे बंद नहीं करवा सकता। सूचना और प्रसारण मंत्रालय नरेंद्र भाई मोदी जी के पास है, वो एक बार इशारा करेंगे तो 4.25 लाख वेबसाइट अश्लीलता बंद कर दी जाएगी। सिर्फ एक इशारे पर प्रधानमंत्री महोदय तक ये बात हमें पहुँचानी होगी कि भारत देश को सुरक्षित रखने के लिए अश्लीलता बंद करिए। एडल्ट सर्टिफिकेट की जो 90 के दशक की जो एडल्ट सर्टिफिकेट मिलता था, उस सर्टिफिकेट को वापस लाना पड़ेगा। आज हम सर्टिफिकेट्स हमने बदल दिए, तो आज मूवियों में वायलेंस, सेक्स, इन सब चीज़ों को लेकर के स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। इन सब को हमें मिटाना होगा। और अगर नरेंद्र भाई मोदी के रहते ये नहीं मिट पाया, तो मैं मानता हूँ कि अगले आने वाली कोई सरकारें इसको मिटा नहीं पाएंगी। नरेंद्र भाई मोदी, अमित जी शाह, राजनाथ सिंह के साथ साथ जितने भी अमित शाह जी के साथ आपके नितिन जी गडकरी और जो भी बड़े कद्दावर नेता हैं, जैसे हमारे कैलाश विजय वर्गीय जी भी हैं और शंकर जी लालवानी जी भी हैं, ये सारे लोग अगर मिलकर के प्रयास करेंगे एक झटके में। जैसे गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता से हर कोई चिंतित है। आलम यह है कि अब युवक युवतियां सरे बाजार अश्लीलता फैला रहे हैं।
ऐसे में अब समाज और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों को अश्लीलता के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।